अस्सलामुअलैकुम, क्या आप अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट को हाइड करना चाहते हैं? क्या आपने गलती से कोई पोस्ट कर दिया इंस्टाग्राम पे, बट आप चाहते हैं कि वो डिलीट भी ना हो, बल्कि उसे सिर्फ मैं हाइड कर दूं, छिपा दूं और किसी यूज़र को दिखे भी ना, यानी जो आपके फॉलोवर्स हैं कोई भी हो तो उनको आपका जो पोस्ट है वो दिखे ना, बट वो आपके प्रोफाइल पर रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट को हाइड कर सकते हैं, आर्काइव कर सकते हैं, और फिर किस तरीके से अनआर्काइव, यानी फिर से कैसे वापस ला सकते हैं, फिर से कैसे अनहाइड कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इस काम को आप अंजाम दे सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इंस्टाग्राम के पोस्ट को हाइड करने के लिए आपको क्या करना होगा? जाहिर सी बात है, पहले तो आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन जो है ओपन करना होगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन जो है ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर आने के बाद में आपको प्रोफाइल वाला जो आइकन है उसके ऊपर मैं आपको क्लिक कर लेना है, जहाँ पर आपका फ़ोटो नज़र आ रहा हूँ। और यहाँ पर आने के बाद में आपको करना क्या है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपको वो पोस्ट जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। लाइक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो पोस्ट है मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, और मैं चाहता हूँ कि इस पोस्ट को, इस जो भी मैंने अभी पोस्ट कर रखा है, इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ, ये प्रोफाइल पे मुझे दिखना नहीं चाहिए। लाइक यहाँ पे कोई आए तो यहाँ पे वो किसी को भी दिखना नहीं चाहिए। अगर ये पोस्ट जो है अभी दिख रहा है तो ये, जैसे मैं उसको हाइड कर दूंगा तो ये पोस्ट जो है दिखेगा नहीं। आप पहले पोस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से पोस्ट को आप हाइड करना चाहते हैं। उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको उस पोस्ट के, यानी जो भी, जिस भी पोस्ट को आप हाइड करना चाहते हैं, उस पोस्ट पे आपको राइट साइड में आपके यूज़र नेम के राइट साइड में आपको नज़र आ जाएगा। क्या नज़र आ जाएगा, जाहिर सी बात है आपको 3 डॉट नज़र आएगा। सिंपली आपको करना क्या है, 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपको 3 डॉट नज़र आ रहा है, सिंपली आप 3 डॉट पे क्लिक कीजिए। इसके ऊपर में क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा, मतलब एक आपको नज़र आएगा बटन आर्काइव का। आपको सिंपली करना क्या है, आर्काइव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप आर्काइव पे क्लिक कीजिएगा, वो पोस्ट आपके प्रोफाइल से जो वो हाइड हो जाएगा। अभी मैं आपको प्रोफाइल पे क्लिक करके मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए वो पोस्ट नज़र नहीं आ रहा है। समझ में आया, ये मेरा बिजनेस अकाउंट है, इसलिए इसके अंदर मैं आपको बता रहा, यानी बिजनेस अकाउंट एक प्रोफेशनल अकाउंट होता है, एक नॉर्मल अकाउंट होता है। तो ये प्रोफेशनल अकाउंट है, इसलिए इसके अंदर में इस तरीके से आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ना, ये आपको नज़र आ रहा है। अगर आपका पर्सनल अकाउंट है तो आपको कुछ और ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। तो चलिए मैं आपको पर्सनल अकाउंट से भी क्या करता हूँ, वहाँ से भी हाइड करके आपको बताता हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं स्विच कर लूँगा यहाँ से पर्सनल अकाउंट पे, और यहाँ पर आने के बाद में देखिए मेरे पास में एक पोस्ट है। यहाँ पे ये पोस्ट आपको नज़र आ रहा है, सिंपली आपको पोस्ट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको सिंपली उसी तरीके से 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपको ऑप्शन वही नज़र आएगा आर्काइव का, सिंपली आपको आर्काइव पे ही क्लिक करना है। तो आपको दोनों में, आपका कोई भी अकाउंट हो इससे कोई भी मतलब नहीं है, आप दोनों में इस तरीके से आप अपने पोस्ट को हाइड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट को हाइड कर सकते हैं, यानी छिपा सकते हैं, आर्काइव में लेके जा सकते हैं। अब बात आती है कि आप उस पोस्ट को कैसे अनहाइड कर पाएंगे, किस तरीके से उस पोस्ट को वापस लेकर के आ पाएंगे। लाइक अभी मैं बताऊँ तो यहाँ पे प्रोफाइल पे एक भी फोटो नज़र नहीं आ रहा है, एक भी पिक नज़र नहीं आ रहा है, एक भी पोस्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो वो कैसे वापस आएगा, तो चलिए अभी मैं आपको वो बताता हूँ। तो अभी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अभी मेरा जो पर्सनल अकाउंट है, जिस जो बिज़नेस अकाउंट नहीं है, इसके अंदर में किस तरीके से वो जो फोटो आपने अभी हाइड किया उसको कैसे अनहाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको टॉप में राइट साइड में आपको नज़र आ रहा होगा 3 लाइन, सिंपली आपको 3 लाइन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा आर्काइव का, सिंपली आप आर्काइव पे क्लिक कीजिए। जैसे आप आर्काइव पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी पोस्ट होंगे आपके पोस्ट यहाँ पे नज़र आने लगेंगे। आर्काइव स्टोरीज है तो सिंपली आपको इसके ऊपर में क्लिक करना है। पहले यहाँ पे ध्यान रखिए, उसके ऊपर में क्लिक करने के बाद में अभी आएगा नहीं, बल्कि आपको करना क्या होगा, यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे ये स्टोरीज आर्काइव का, या फिर यहाँ पे आपको एक आइकन नज़र आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो सिंपली आप इस एरो पे क्लिक करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट आर्काइव, लाइव आर्काइव, यानी जो भी चीज़ें आपने आर्काइव कर रखा है, चाहे वो स्टोरीज आर्काइव हो, पोस्ट आर्काइव हो, या फिर लाइव आर्काइव हो। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा किस तरीके से आप अपने स्टोरीज को आर्काइव कर सकते हैं, कैसे लाइव आर्काइव, लाइव जो भी आपने कर रखा है उसको कैसे आप आर्काइव कर सकते हैं। तो पहला भी मैंने बताया पोस्ट जो है वो कैसे आर्काइव करना है। सिंपली आप पोस्ट पर क्लिक कीजिए, पोस्ट आर्काइव पर, यहाँ पे आपको सारे पोस्ट जो नज़र आने लगेंगे। सिंपली आप उस पोस्ट को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, 3 डॉट पे आपको फिर से क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे शो ऑन प्रोफाइल, सिंपली आप यहाँ पे शो ऑन प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, ये फोटोज़ जो है, ये आपका जो पोस्ट है वो आपको शो होने लगेगा। यहाँ से आर्काइव में से ये हट गया, अभी आपको प्रोफाइल में नज़र आने लगेगा। सिंपली मैंने प्रोफाइल पर एक बार क्लिक किया, यहाँ पर पहले मैं होम पे क्लिक कर लेता हूँ। होम पे क्लिक करने के बाद सिंपली मैं फिर से प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर लूँगा। जैसे
इसको जैसे आप एक बार रिफ्रेश कीजिएगा तो रिफ्रेश करने के बाद में आपका फोटो जो है वो नज़र आने लगेगा, यानी जो भी आपका पोस्ट है वो पोस्ट नज़र आने लगेगा। अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ बिज़नेस अकाउंट में, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से बिज़नेस अकाउंट ओपन करूँगा। अगर आपने अभी तक के इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा तो फॉलो कर लीजिए। क्या कर रहे हैं यहाँ पर आकर के आपको करना क्या है, सिंपली उसी तरीके से थ्री लाइन पे क्लिक करना है, आर्काइव पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ये पोस्ट आर्काइव पहले मुझे नज़र आ रहा है, तो सिंपली यहाँ पे पोस्ट आर्काइव है ना, पोस्ट आर्काइव पे अगर नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे आप पोस्ट आर्काइव जो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे जो भी पोस्ट आपने आर्काइव कर रखा है उसको आप सिंपली मतलब हाइड कर रखा है अनहाइड अनहाइड कर लीजिए। ओके, तो सिंपली मैंने उस पोस्ट को सेलेक्ट किया, थ्री डॉट पर फिर से क्लिक किया, शो ऑन प्रोफाइल पर क्लिक किया, ये फोटो जो है प्रोफाइल पर मुझे शो होने लगेगा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर अभी नज़र नहीं आ रहा है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, पुल मतलब नीचे की तरफ खींचेगा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो प्रोफाइल फ़ोटो है यानी जो भी आपने पोस्ट हाइड किया था वो अनहाइड हो गया। उम्मीद है पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपके पोस्ट को जो है आप अपना इंस्टाग्राम पोस्ट को हाइड कर सकते हैं और किस तरीके से अनहाइड कर सकते हैं, प्रोफाइल पर किस तरीके से फिर से शो कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि क्या परेशानी है, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर जल्द से जल्द लेकर के आऊँगा। और अगर किसी भी काम से यानी कोई भी ऐसा पर्सनल काम हो तो पर्सनल काम के लिए आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आइए फॉलो कीजिए, DM कीजिए, मैं आपको जितनी जल्द हो सके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जो है रिप्लाई इंस्टाग्राम पे करता हूँ, इसलिए आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे यहाँ पे मुझसे सपोर्ट ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।